हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूं यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके, सभी की वाइफ को आता है। अरे, दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं, अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम, संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं। मतलब एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट? बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट एक तो बोल दीजिए कुछ। हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है। He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, ADPA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter where I am. अभी 25 कर देता हूँ, चलो 50 से। क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप। और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब फिल्म स्टार्स के साथ कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ी रहती हैं। आप सब एक्टर्स हैं, तो आपके साथ कुछ कुछ अफवाहें हैं। तो सर, मैं कंफर्म करना चाहता हूं, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि लोग अंधेरे में रहें। सर, आपके बारे में अफवाह है संजू सर कि आपको घड़ियों का बड़ा शौक है, आपके पास 24 घड़ियां हैं और हर घंटे आप अलग घड़ी पहनते हो। हर घंटे एक दूसरी घड़ी? हाँ, ऐसा सुना है, अफवाह है आपके बारे में। घड़ियां है लेकिन हर घंटे में नहीं बदलता। 14 होंगी ना 24 से, तो हर 15 मिनट बाद बदलते होंगे। 25 है। मान्यता मैम, आपके बारे में ये सुना है कि आप ये चाहती हैं कि काश संजू सर नागिन होते और आप सपेरा बनके बीन बजा के इन्हें नचाती। वो सही बात है। है? सही है भाई। सीरियसली मान्यता मैम? और क्या, ये तो बीन ही बजाती रहती है ना। चंकी सर, आपके बारे में अफवाह है? आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप पीसीओ में कॉइन डाल के बात करते थे और कॉइन के साथ आप धागा बांध देते थे, बाद में बाद धागा खींच लेते थे। इज इट ट्रू सर? हाँ, मैं एसटीडी कॉल्स में भी ऐसे ही करता था। क्या बात है। हमारा आपके बारे में अफवाह है कि आप इतनी हॉट हैं कि अगर आप अपने साथ आइसक्रीम लेकर नहीं चलती तो थोड़ी देर में आपको पिंपल निकल आते। It's true. It's not true. No, it's true, yeah. I don't get pimples. नहीं नहीं, but you're hot. हाँ, उतना part true. कपिल पाजी बड़े शर्मा रहे। कभी कभी नहीं भी होती, हम खुद भी बना लेते हैं। खूबसूरत लड़कियों को देखकर अफवाहें बना लेते हैं हम। ओके, संजू सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके बालों को हाथ लगाए। बाल है नहीं है। नहीं सर, बड़े अच्छे खासे बाल है, और आपके ये भी लिखा है कि आप अपने बाल खुद ही काटते हो। खुद ही काटते? जो भी बचे कुचे बाल है इन्होंने तो यही काट देती है। शादी के बाद ऐसा ही होता है वाह। चंकी सर, एक अफवाह ये है कि स्ट्रगल के टाइम आपने 60 दोस्त बनाए हुए थे। हाँ। और पूरा महीना सुबह शाम उनके घर डिनर करते थे ताकि खर्चा बच जाए। लंच और डिनर तीनों करता था। वाह। अली, आपके बारे में अफवाह है कि आप खुद अपनी फिल्में नहीं देखते। ओ हाँ, मैं सारे एक्टर्स यही कहते हैं, इट्स ऑल फॉल्स, हम सब चुप चुप के अपने अपने फिल्म्स देखते हैं। प्लीज, चुप चुप के देखती हो? एडल्ट फिल्में बनाई कुछ? किससे चुपना, मतलब अपने घर में देख ही सकते हैं? नहीं, एक तरीके से देख ही लेते हैं, डबिंग में हो गया, स्क्रीनिंग होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर। संजू सर, एक अफवाह है कि एक रेस्टोरेंट में चिकन संजू बाबा के नाम से एक रेसिपी है, वो आपकी बनाई हुई है जी?
एक अफवाह तो हमारी ठीक निकली। तो कहाँ पे है संजू सर? ये डोंगरी में है, एक वो रेस्टोरेंट का नाम नूर मोहम्मदी होटल है। अच्छा, तो मेरे पास आए थे तो मैंने वो चिकन बना के दिया था उनको। अच्छा, पसंद आया तो उन्होंने बोला रेसिपी दे दो, दे दी मैंने। वाह क्या बात है। अमायरा, आपके बारे में ये अफवाह कि राजमा चावल की जब शूटिंग चल रही थी आपको राजमा चावल ही खाने को दिए जाते थे, जिससे गैस हो जाती थी, फिर हीरो हीरोइन दूर दूर रह के सीन करते थे। कोई भी मुझसे दूर रह सकता है क्या? संजू सर, एक अफवाह और है कि मुझे जीने दो में जब शूटिंग चल रही थी डाकुओं ने आपको किडनैप कर लिया था। है? कोशिश की थी। अच्छा, हाँ, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे, तो दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया। अच्छा, और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक। अच्छा, उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। बोले अगर इसको उठा के ले जाए कितना देंगे। तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। अच्छा, हाँ, तो ये सही था, किडनैप नहीं हुआ लेकिन आइडिया आ गया था उनको। आइडिया आ गया। ओ बाप रे बाप, वाह, दैट्स सीरियस मैन। अफवाहें खत्म हुई। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, बहुत बार होता है कि आपको कोई पसंद है जो भी स्टार, अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप किस स्टार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे उनके साथ रहते हुए? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो, मैं मधु बिहार से हूँ। जी मधु जी, मेरे फेवरेट संजय दत्त हैं। अगर मुझे इनके साथ एक दिन समय बिताने का मौका मिलेगा तो मैं इन्हें अपने गांव लेके जाऊंगी और गांव में गाय भैंस में इन्हें दिखाऊंगी, घुमाऊंगी और खेतों की ताजी हवाएं भी खिलाऊंगी। और पेड़ के नीचे बहुत सारी बातें करूंगी। नहीं, आपने एक महीने के लिए लेके जाना है। एक दिन का काम तो है नहीं ये। और मैं अपने हस्बैंड को कहूंगी ये हमारे लिए खाना बना। आपके हस्बैंड साथ में आए? सर कितने साल हो गए आपको? दो साल हो गए। खाना वाना बना के खिलाते हैं कभी आप? हाँ, बनाना आता है। आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। बीवी की? नहीं नहीं नहीं। बड़ी क्यूट सी विषय आपकी कि मैं गाय भैंसियाँ दिखाऊंगी संजय बाबा का। उन्होंने देखी हुई है, मतलब और भी आप वैसे कुछ बोल सकती है यार सामने? नहीं, मेरे तो यही विषय है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।